प्रस्तुत पाठ 3 प्रश्न लेखक लियो तलस्तय, जिसका हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। इस पाठ में लेखक एक ऐसे राजा का उल्लेख करते हैं जिसे सही समय में करने के लिए सही सुझाव की खोज होती है। इसके लिए वह पूरे राज्य में घोषणा भी करवाता है। इसमें लेखक ने बताया है कि समय का ध्यान रखना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना, दूसरों की सलाह लेना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक, लेकिन यह सफल होने का पैमाना नहीं है। जिस समय जिस व्यक्ति को जिस कारण से हमारी जरूरत हो, हमें उसके लिए उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि यह नियति ने हमारे लिए निश्चित किया है। इस कहानी में लेखक द्वारा यही समझाने का प्रयास किया गया है कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा होता है। राजा को कार्य करने के लिए सही समय और सही अवसर और सुझाव की आवश्यकता महसूस होती है। वह पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सब अपना अपना सुझाव पेश करने लगे। कई विद्वान दरबार में आकर अलग अलग सुझाव देते हैं। कोई कहता है जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ का कहना था कि राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ लोग कहने लगे कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ बोले कि भविष्यवाणी करवाने वालों की सहायता से राजा को समय की जानकारी मिल सकती है कि मुख्य काम कौन सा है। इस प्रश्न पर किसी ने विज्ञान तो किसी ने युद्ध तो अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी, लेकिन राजा किसी के भी सुझाव से संतुष्ट नहीं हुए और उनको ख्याल आया कि पास के जंगल में एक ऋषि रहते हैं, उनसे जाकर इस प्रश्न का उत्तर क्यों न पूछा जाए। राजा भेष बदल कर ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि ऋषि आंगन में खुदाई कर रहे हैं। राजा उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं होता। वे चुप ही रहते हैं। कुछ देर बाद राजा देखते हैं कि ऋषि खुदाई करते करते थक गए हैं। ये सोचकर कुदाल राजा ले लेते हैं और खुद खुदाई करने लगते हैं। राजा के 2-3 बार प्रश्न पूछने पर भी ऋषि कोई जवाब नहीं देते हैं। शाम हो आई, लेकिन राजा को प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। इसी बीच एक घायल व्यक्ति वहां पहुंचता है, खून से लथपथ। दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा उस घायल व्यक्ति का उपचार करते हैं। राजा घायल व्यक्ति के जख्मों को धोकर खून के बहाव को रुमाल से रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता है, उसे धोकर फिर पेट के घाव पर रखते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया, अंततः खून का बहना कम हुआ। राजा ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे 2 घूंट पानी पिलाया और उस व्यक्ति की जान बच गई। रात हो जाने के कारण राजा भी आश्रम में ही सो गए। जब घायल व्यक्ति सुबह उठा तो राजा से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूँ जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था। रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। किसी तरह मैं जान बचाकर भाग आया। यदि आप आज मुझे नहीं बचाते, मेरा उपचार नहीं करते, तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। इस जीवन दान के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं सदैव आपकी सेवा में रहूंगा। राजा अब वापस लौटने की तैयारी करने लगे। वह आखिर बार ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। तब ऋषि कहते हैं कि वह समय ही उचित समय है जब आपके पास कुछ करने की शक्ति है। जब तुमने कुदाल लेकर मेरी सहायता की, इस घायल व्यक्ति की मदद की, वही समय है। इससे पाठकों को यही शिक्षा मिलती है कि हमें सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, जब आपकी जहां भी जरूरत हो वह कार्य करना चाहिए, वही उचित समय होता है आपके होने की। इस पाठ में लेखक ने समय और कार्य को लेकर उत्तम कहानी प्रस्तुत की है, जो ज्ञानवर्धक और पाठकों के लिए बहुत अच्छा संदेश भी देती है कि सदैव वर्तमान में रहना चाहिए, भविष्य की चिंता से परेशान नहीं होना चाहिए।
और न ही भूतकाल की घटनाओं पर अधिक विचार करके दुखी होना चाहिए। राजा के मन में 3 प्रश्न आए कि किस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए सही समय क्या है और किसकी सलाह पर करना चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों का जवाब इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक राजा की कहानी के माध्यम से बताया है। साधु ने राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया कि एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह समय है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति हो। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे या न रहे। विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए। कई विद्वानों ने दरबार में आकर अलग अलग सुझाव दिए। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कुछ का कहना था कि राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। कुछ लोग कहने लगे कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए, तो कुछ लोग बोले कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से राजा को समय की जानकारी मिल सकती है कि मुख्य काम कौन सा है। इस प्रश्न पर किसी ने विज्ञान तो किसी ने युद्ध तो अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी।